क्योंकि ये मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है ना, इसलिए फीलिंग आती है पूरी इंडियन वाली। हाँ, जैसे मैं इंडिया में ही हूँ अभी अपनी गाड़ी में। इंडिया में जो 10 रुपए का लेस का पैकेट है वो यहाँ पे 1.65 यूरोज का है, यानी कि 165 रुपए। मतलब इतनी अच्छी पुलिस और गवर्नमेंट है, वो खुद ही नहीं चाहते कि लोगों का चलान हो, इसलिए पहले ही बोर्ड लगा दिया कि स्लो कर लो भैया, कैमरा आ रहा है वरना चलान हो जाएगा। और इंडिया में हमारे जो पुलिस वाले होते हैं भाई साहब, गाड़ियों के पीछे, ट्रकों के पीछे छुपे होते हैं एंड अचानक से आके ढप्पा कर देते हैं। भाई साहब इस वाली रोड पे विंड मिल देखना, लाइन से लगे हुए कितने सारे है। और जबकि नेदरलैंड में काफी सारे विंड मिल आए थे और शायद से हो गए एंटर हम भी भाई बेल्जियम में। लेट्स गो भाई, यहाँ से जर्नी शुरू की थी और यहाँ पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी पूरा वर्ल्ड नापने वाला हूँ मैं इस गाड़ी से, मजा आएगा। अगर भैया गाड़ी धोखा देगी, इसमें दिखा रहा है 17 किलोमीटर की रेंज और अभी बचा है टोटल 24 किलोमीटर। मतलब आप खुद सोचो भाई, इतनी सी गलती के लिए 70-80 हजार रुपए का चालान सीधा। चलो जी, चलो निकलने का टाइम हो गया है। वैसे तो 11 बजे से पहले चेकआउट करना था बट ऑलरेडी 11:30 बज चुके, क्योंकि सुबह सोए भाई 6 बजे है, बताओ। तो जल्दी जल्दी करते हैं। सामान तो ज्यादा लाया नहीं था, बस एक दो कपड़े थे, इसी को पैक करके डालना है इसमें। वैसे तो कुछ खास पार्टी हो नहीं पाई थी बट फिर भी थोड़ा बहुत भटक लिए थे बाहर और फिर आके वीडियो वगैरह शेड्यूल करी तो इसलिए टाइम लग गया। तो भाई साहब ये होटल की जो गलियां है ना, या लॉबी है, भूल भुलैया सी है, पता ही नहीं चलता कहाँ लिफ्ट। हाँ, मिल गई मिल गई। हालांकि फर्स्ट फ्लोर पे ही बट भाई ऐसे 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 पतले पतले रस्ते है, नींद आ रही है मुझे तो सही में, अभी भी हुई नहीं पूरी नहीं। था भाई हमारा होटल एक्सो सिटी सेंटर करके। भाई साहब रात को क्या चहल पहल हो रही थी और अभी देखो पूरा इंसान पड़ा है। बाहर से देख लो सेंटर के बिल्कुल बिल्कुल ही सेंटर में ही था समझ लो। यहाँ से जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है हार्डली 200-300 मीटर होगा भाई साहब। इतनी मस्त जगह पे लिया था। लास्ट वीडियो में शायद मैं इसका प्राइस बताना भूल गया, ये हमें 13,000 रुपए का पड़ा था एक नाइट का, दो बंदों का, दो सिंगल बेड। ऑब्वियसली महंगा है क्योंकि सिटी सेंटर है। ठीक है, मैंने कहा एक दिन तो बनता है भाई। देख रहे हो भाई साहब, सही में पूरी स्ट्रीट खाली हो गई है। ये सारे जो क्लब और पब थे कल रात को भरे पड़े थे 2-2.5 बजे तक, ऐसे लोग यहीं पे लोट पोट हुए पड़े थे पी के या फूक के, जो भी समझ लो आप। भाई साहब ये छोटी छोटी गाड़ियां ना बहुत देखने को मिल रही है एम्स्टरडेम में। अभी ये सारे बेंचेस खाली है लेकिन शाम के 5-6 बजते ही भाई भर जाएंगे, क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे को तो और ज्यादा भीड़ होती है। कल भी वैसे भीड़ थी फ्राइडे की वजह से, सैटरडे होगी ज्यादा मेरे हिसाब से। देख लो भाई सुबह सुबह शुरू हो गए है बियर पीना वापिस से 11:30 बजे, रात को भी पी होगी खूब सुबह फिर। भाई जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, हम एम्स्टरडेम में है नेदरलैंड की कैपिटल और 2 दिन से हम अभिषेक के दी जीजू के घर पे रुके हुए थे। बट जो हमारी थर्ड नाइट थी वो हमने सोचा कि सिटी सेंटर में ही रुकेंगे, क्योंकि ना यहाँ से जो उनके घर तक की ट्रैम जाती है ना वो रात को 12:30 बजे तक ही जाती थी, तो हमें निकलना पड़ता था किसी भी तरह। बट एक दिन तो हमें नाइट लाइफ देखनी थी और शूट भी करनी थी, इसलिए सोचा कि बिल्कुल सिटी सेंटर में होटल लेंगे, मस्त रात को पार्टी वार्टी करके 3-4 बजे 5 बजे जब भी जो है अपने होटल आके सो जाएंगे, ताकि इतनी दूर जाना ना पड़े, क्योंकि उनका घर जो है वो यहाँ से 10 किलोमीटर था और ट्रैम के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं था जाने का, ट्रैम रात को बंद ही हो जाती है। इधर भाई स्टेशन के पास तो पूरी भीड़ हुई पड़ी है, मतलब टूरिस्ट तो देखो भरा पड़ा है बट अभी पार्टी वार्टी नहीं चल रही है। और यहाँ से वापस अब हमें ट्रैम पकड़ के घर पे ही जाना है, क्योंकि हमारे सारा लगेज वगैज वहीं पे ही है और सारा पैक करके गाड़ी उठा के फिर निकलेंगे आज हम अपनी नई कंट्री के लिए जिसका नाम है बेल्जियम। यहीं से भाई ये बोट भी चलती है, आप कैनाल क्रूजेस वगैरह की टिकट्स बुक कर सकते हो। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आज है 29 जुलाई 2023। मैं हूँ अभी नेदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडेम में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंडन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइन। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई दिल्ली टू लंडन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए। इसमें मैं कवर करूंगा 25 से ज्यादा कंट्रीज एंड चलाऊंगा 25,000 किलोमीटर गाड़ी को, फिर जाके पहुंचूंगा लंदन यूके में। भाई मस्त वाली ऐसे एपिक रोड ट्रिप है और वीडियोस भी मस्त मस्त आ रही है, सपोर्ट करते रहना। 3 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं घर पहुंचने से पहले, बाकी लाइक तो कर ही देना वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो। आज तो भाई सब लग रहा है भर भर के ग्रुप आए हुए इतने बड़े बड़े 15-15, 20-20 लोगों के ऐसे। और हमें यहाँ के सेंट्रल स्टेशन से 26 नंबर ट्रैम पकड़ के जाना है। हम जैसे उस वाले बाहर वाले एरिया से सेंटर में आते हैं ना भाई, यहाँ पे ट्रैम में उतरते ही ऐसे खांजे की और उन सब चीजों का धुआं फील होने लग जाता है कि हाँ ओपन में लोग फूक रहे हैं, क्योंकि मैं 2 वीडियो में बता चुका हूँ यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन एंड वीड लीगल है। आ गया यहाँ का भाई सेंट्रल स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही जो है वो ट्रैम मिलती है। देखोगे ना भाई काफी बड़ा स्टेशन है ये, यहाँ से मेजर जितनी भी आसपास वाली कंट्रीज है ना सबकी ट्रेन आपको मिल जाएगी। तो इस बार तो ट्रेन में ट्रेवल हो नहीं पाया भाई क्योंकि गाड़ी से आए हुए, अगली बार लेकिन पक्का ट्रेन से करना है, स्पेशली स्विट्जरलैंड की ट्रेन में तो जरूर जाना है भाई। इस रोड के उस जगह से ना भाई मेरा फोन चोरी हुआ था उस दिन रात को एंड आज हमारा ना यहाँ पे 5वां दिन है टेक्निकली देखा जाए, बट भाई अभी भी ऐसा लग रहा है कि ना जाए यहाँ से, क्योंकि आपको पता ही है भाई ड्रीम
डेस्टिनेशन है मेरी एम्स्टरडेम कितने सालों से, और फाइनली वो सपना पूरा हो चुका है। और जल्दी आऊंगा भाई मैं फिर से वापस, देख लेना। ये जो मैंने पास लिया था ना 3 दिन का, वो भाई आज ही 3:30 बजे एक्सपायर हो जाएगा। तो बढ़िया भाई, लास्ट ही ट्रैम लेनी है हमने और यूज हो जाएगा। सही में एक्चुअल में भाई 21 यूरो पे करे थे, यानी कि 2000 रुपए के आसपास, और भरपूर फायदा उठाया। कितनी बार भी चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, बस जो स्प्रिंटर है यहाँ की वो नहीं, उसमें वैलिड नहीं है, उसकी टिकट लेनी पड़ती है अलग से। चलो भाई आज तो वेट नहीं करना पड़ा, जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं वैसे ही जो है वो ट्रैम आ भी गई है 26 नंबर। ये लास्ट स्टेशन ही है तो यहीं पे ही खाली हो जाती है भाई ट्रैम, और उसके बाद फिर यहीं से भर के चलती है पूरी। अब ये सब लोग उतर जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है। यहाँ के जो लोकल लोग है ना भाई, उनके पास ज्यादातर के पास तो साइकिल ही है, गाड़ियाँ बहुत कम है, और जिनके पास साइकिल भी नहीं है वो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करते हैं, क्योंकि अच्छी कनेक्टिविटी है इनकी, ये जो ट्रैम है और स्प्रिंटर है इन सब जगहों की। इस ट्रैम से ना भाई रात को वापस आते थे, और आज दिन में आ रहा हूँ पहली बार 4 दिनों में। चलो जी बाय बाय, टाटा कर देते हैं एम्स्टरडेम की ट्रैम को, क्योंकि इसके बाद अब पता नहीं भाई कब आना होगा यहाँ पर और कब वापस से ट्रैम में बैठूंगा। आसपास इतना खूबसूरत एरिया ना कि पता ही नहीं चलता भाई पैदल पैदल कब पहुंच जाते हैं। और आज तो भाई सब गेट खुला हुआ मिला, वैसे हमें उन्होंने की कार्ड और एक चाबी दे रखी थी, बट मैंने कल वापस कर दी थी क्योंकि हम होटल जा रहे थे। ये बस ऐसा कर मन कर रहा है कि जाके सो जाऊं, बट सोना नहीं है भाई, पैक वैक करके निकलना है। चलो जी सूटकेस वगैरह सारा कुछ पैक कर लिया है, सब ये वाला मेरा कैमरा बैग बचा है क्योंकि सबसे लास्ट में यही पैक करता हूँ, चार्जिंग वार्जिंग के गैजेट्स इसी में जाते हैं। ये भाई जो कपड़े खरीदे थे एक्स्ट्रा, इस वाली पॉलिथीन में आ गए क्योंकि बैग में तो जगह है नहीं इन कपड़ों को रखने की, तो अलग से ही गाड़ी में डालने पड़ेंगे। कपड़े ना वैसे बहुत हो गए इंडिया से, इतने ले आया मैं फालतू में। क्या करना चाहिए था, इंडिया में शॉपिंग ना करके ना यहीं पे शॉपिंग करनी चाहिए थी कपड़े लेने की, फिर अपना मस्त हो जाता सीन। कोई नहीं, जो अच्छे अच्छे कपड़े वो इंडिया वापस ले जाऊंगा, बाकी फिर यूके में ही छोड़ दूंगा। वरना तो भाई लंदन से इंडिया ले जाने में ही जो एक्स्ट्रा बैगेज के पैसे देने पड़ेंगे ना, ये कपड़ों में वर्थ इट नहीं है। तो अभी भाई मैं लेने जा रहा हूँ गाड़ी अपनी, यानी कि स्कॉर्पियो एन को। अरे आज गेट भाई साहब पहले से ही खुले हुए हैं, मैं जादू नहीं दिखा पाऊंगा आपको, वरना ऐसे चुटकी बजाता था और मस्त गेट खुल जाता था एकदम। जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी हुई है ना वो पार्किंग भाई 1.1 किलोमीटर है, बट भाई मैं ट्रैम से चलता हूँ क्योंकि स्टेशन यहाँ से सिर्फ 400 मीटर की वॉक पे है, फिर सीधा ट्रैम। मतलब मस्त है भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग तक जाने के लिए भी देख रहे हो, ट्रैम ले रहा हूँ, बट मेरा पास एक्सपायर हो चुका है। आज मौसम भाई खुला पड़ा है, हालांकि वहां पर एक काले बादल का पैच है और एक वहां पर भी काले बादल का, बट इधर देखोगे ना तो ज्यादा काले बादल नहीं है, तो बारिश आने की उम्मीद आज कम ही लग रही है मेरे को। ये आगे स्टेशन जो मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, 5 मिनट में आने वाली है ट्रेन। ये मूवी देखने का इतना मन कर रहा है ना, बट अभी नहीं, इंडिया जाके ही देखूंगा, यहाँ पे भी लगी हुई है जगह जगह पे ना। अभी थोड़ा सा टाइम का भी इशू होता है, जितना टाइम मिलता है उतने में हम सिटी एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो मूवी कहाँ ही देखेंगे, बट मन बहुत है भाई। OTT में आ जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा, वरना इंडिया जाके देख लूंगा मैं थिएटर जाके, अगर लगी होगी तो। पास तो यार मेरा एक्सपायर हो चुका है, इसलिए एक टिकट ही खरीदनी पड़ रही है, महंगी पड़ रही है बड़ी, देखना 350 रुपए। बट 1 किलोमीटर चल के जाने का बिल्कुल मन नहीं है भाई, सब थकान हो रही है, नींद भी आ रही है ऊपर से। 318 रुपए कटे हैं कार्ड से, और टिकट आ चुकी है, एक्टिवेट कर लेते हैं। 1 घंटे के लिए वैलिड है ये, यानी कि 1 घंटे में मैं कितनी बार भी चढ़ सकता हूँ, कितनी बार भी उतर सकता हूँ, बस 1 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाएगा। टाइम भी देखो भाई, शाम के 4:50 हो गए। आज जहाँ पे हमें जाना है भाई 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो इसलिए आराम से रेस्ट कर रहे थे उनके घर पर ही, अब निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे यहाँ। तो वैसे भी अंधेरा भाई 10 बजे होता है रात के। लो भाई लो आ गई है 26 नंबर, चढ़ जाते हैं इसमें। बिना टिकट के मन सा नहीं कर रहा था जाने का, इसलिए टिकट खरीद ली मैंने। 2 स्टेशन है वैसे तो, क्या ही बैठना, बट ठीक है। अरे ये जो ऊपर का शीशा भाई टूटा पड़ा है, देखो है ना, चटक गया है। मेरे ख्याल से 4-5 दिन से काफी तूफान आ रहा है ना, तो तब टूटा होगा। जी लो आ भी गया स्टेशन। यहाँ से पार्किंग बिल्कुल भाई 140 मीटर पे ही है, पैदल पैदल 1 मिनट लगना है। ये वाला जो स्टेशन है ना इस बुर्ग करके भाई, यहाँ पे काफी ज्यादा चहल पहल है, देखो दुकानें वगैरह प्रॉपर है। अच्छा एक फैक्ट ना मैं आपको नेदरलैंड के बारे में बताना भूल गया था, कि यहाँ का जो नेशनल एंथम है ना भाई, वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी नेशनल एंथम है। इसके अलावा साइकिल्स वाला फैक्ट तो बहुत कॉमन है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे इतनी साइकिल्स है, इतनी साइकिल है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साइकिल्स इसी देश में पाई जाती है। ये यहाँ की एक सुपरमार्केट है एल्बर्ट हेजिन करके, बाकी ये भी एक सुपरमार्केट है
यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये वाला जो एरिया है और जो एम्स्टरडेम का सेंटर है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब वहाँ पे इतना भीड़ भड़क का, हर जगह भीड़ की धुआं ही धुआं, लेकिन यहाँ देखोगे भाई बिल्कुल शांत, ना कोई भीड़ फूक रहा है ऐसे ओपन में, ना कोई बियर पी रहा है ओपन में। ये आ गई अपनी पार्किंग जहाँ पे हमने 4 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करी थी। कल हम इसको लेकर गए थे गाड़ी को, इसलिए बाकी 2 दिन के तो मैंने पे कर दिए थे, लेकिन कल से आज तक के जो है ना वो पे करने हैं। वैसे प्राइस देख लो आप, 30 मिनट से 120 मिनट के 2 यूरो है, तो काफी सस्ती है। वैसे जनरली इन देशों में पार्किंग आप देखोगे ना सेंटर में, भाई 1 घंटे के 3 से 4 यूरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 दिन के मेरे सिर्फ 24 यूरो लगे थे, यानी कि 2200-2300 रुपए के आसपास। और अब देखते हैं, ओए होए होए भाई, अपनी गाड़ी में आके ना एक अलग ही सुकून मिलता है। ये सुकून ना किसी भी देश में जाके आप रेंट करोगे गाड़ी तब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है ना, इसलिए फीलिंग आती है पूरी इंडियन वाली, हाँ जैसे मैं इंडिया में ही हूँ अभी अपनी गाड़ी में। चलो जी चलो एग्जिट ली जाए, मेरे को तो उतर के टिकट डालनी पड़ेगी। इन लोगों का सही है, पास वास बना होता है, सीधा जाते हैं अपने आप गेट खुल जाता है। बट मुझे तो उतर के टिकट भी डालनी पड़ेगी एंड पेमेंट भी करनी पड़ेगी कार्ड से। ये है भाई वो टिकट, यहाँ डालनी है। अबे चला जा, वो जाइना री, हाँ चली गई। 7.5 यूरो, ठीक है यार, ले ले भाई पेमेंट। हाँ हो, फाटक भी खुल गया। 750 रुपए हो गए 24 घंटे के, ठीक ही है, काफी सस्ता है। ठीक भी क्या, सस्ता ही है एक्चुअल। अभी सारा सामान भी सेट करना है यार, सूटकेस वगैरह चल के। हर पार्किंग में ना इन्होंने ऊपर हाइट वाले पिलर लगा रखे होते हैं, ताकि कोई बड़ा गाड़ी या बड़ा ट्रक ना अंदर खड़ा कर जाए पार्किंग में। एक लिमिट तक ही जो है वो गाड़ी आ सके ऊपर हाइट वाली। वैसे तो यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स है वो गली में ही खड़ी कर देते हैं साइडों में, बट ये भी भाई फ्री नहीं होती, पेड होती है। इस तरह की देखो मशीनें लगी होती है, वाली मशीन है ना, तो यहाँ पर आपको पे करके जो है फिर खड़ी करनी है, वरना तो रूल के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो हो सकता है पुलिस आपकी गाड़ी उठा के ले जाए। और यहाँ एम्स्टरडेम में वैसे भी लोगों के पास गाड़ी से ज्यादा साइकिल है, तो लोग साइकिल ही प्रेफर करते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो गाड़ियों का इतना ना जाम वाम नहीं मिलता है, इसलिए आप देखोगे ना बिल्कुल खाली खाली रोड है, मतलब ज्यादा भीड़ भड़कता नहीं। हालांकि आज सैटरडे का दिन है, जब भी भीड़ नहीं है, लोग मस्त साइकिलों में पैदल या ट्रैम से ही घूमना प्रेफर करते हैं। आप देख रहे हो बोर्ड लगा हुआ 30 और उस पर क्रॉस, यानी कि जो 30 की स्पीड लिमिट थी ना वो इस रोड से खत्म हो गई है। मतलब पिछली रोड तक ही जो थी वो 30 की लिमिट थी, अब आप चला सकते हो ज्यादा। बट लेफ्ट से गाड़ी आ रही है भाई, तो पहले उसको निकलने देते हैं, उसके बाद फिर हम निकालेंगे गाड़ी। लेट्स गो भाई। देखो इन देशों में अगर साइन बोर्ड पे अच्छे से ध्यान दोगे ना, ना तो कभी एक्सीडेंट होगा, ना ही कभी आपका चलान होगा, क्योंकि साइन बोर्ड ना लगभग 99.99% जगहों पे अच्छे से लगे होते हैं। उनको आप अगर फॉलो करोगे तो रूल्स कभी ब्रेक नहीं होंगे, बट वो ये लोग देखते ही नहीं है, साइन बोर्ड देखने की आदत ही नहीं। जबकि यहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हुआ है, हर जगह पे पूरे प्रॉपर बोर्ड लगे हुए हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और रूल्स भी ना टूटे उनसे। मतलब लिटरली कई कई जगहों पे तो भाई बोर्ड आ जाता है हाईवे पे कि कैमरा अहेड, प्लीज स्लो डाउन। मतलब इतनी अच्छी पुलिस और गवर्नमेंट है, वो खुद ही नहीं चाहते कि लोगों का चलान हो, इसलिए पहले ही बोर्ड लगा दिया कि स्लो कर लो भैया, कैमरा आ रहा है वरना चलान हो जाएगा। और इंडिया में हमारे जो पुलिस वाले होते हैं भाई साहब, गाड़ियों के पीछे ट्रकों के पीछे छुपे होते हैं एंड अचानक से आके ढप्पा कर देते हैं। अभी देखोगे ना गलियों में भाई स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा बने हुए, क्योंकि ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, लोकल लोग रहते हैं, बच्चे भी खेलते फिरते रहते होंगे बाहर, इसलिए देख रहे हो। अभी एक आया था हार्डली 20 मीटर पे ही एक और स्पीड ब्रेकर आ गया, और ये वाला तो भाई और ऊंचा है, जबकि यहाँ पे सिडान गाड़ियाँ इतनी चलती है, फिर भी इतने ऊंचे ऊंचे है स्पीड ब्रेकर। कल हमने गद्दे और बॉक्सेस वगैरह सारे हटा के पीछे डाल दिए थे, तो वापस से पीछे से आगे डालने हैं, क्योंकि पीछे तो हमारा लगेज आएगा ना। ये टैंक भी भाई किसी काम नहीं आ रहा है ना, ऊपर इसको अटका पा रहे, इसका माउंट खो गया क्योंकि अंदर फालतू की जगह घेरता है। बाकी ये गन जो पार्ट के लिए लाया था मैं, फटाफट से निपटा लूं काम ये वाला। चलो ठीक है जीजू, बाय बाय, ओके जी। चलो जी सामान भी सेट हो गया सारा, फटाफट से तैडम पैड खींच दूंगा एक ही गो में, रुकने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस विनियट लेना पड़ेगा। अभी ये जो हमारा सफर है एम्स्टरडेम से बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स तक होने वाला है, ओनली 209 किलोमीटर, 2 घंटे 18 मिनट। शेनेगन टू शेनेगन कंट्रीज जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉर्डर आएगा नहीं मस्त, कोई भी सीधा खींच देंगे, बस डीजल और विनियट दो ही चीज चाहिए रस्ते में। जो लोग भी पुरानी वीडियोस से फॉलो कर रहे हैं उनको विनियट के बारे में पता ही होगा, मैंने समझाया 3-4 वीडियोस में भाई। एक्चुअल में जब से विनियट शुरू हुआ है ना लेना, हंगरी के बाद से, हंगरी में भी हमने लिया था, उसके बाद से ना रोड जर्नी बहुत आसान हो गई है, ना कोई टोल टैक्स आता है ना कुछ, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ रोड टैक्स या फिर टोल टैक्स ही है उस कंट्री का जहाँ पे भी हम जा रहे हैं। पहले जब हम जिन कंट्रीज में टोल टैक्स भरते थे ना, वही भाई एक कंट्री का 10 यूरो 12 यूरो 15 यूरो इतना तो हम टोल टैक्स भी भर देते थे, हालांकि वो 3-3 4-4 यूरो ऐसे ऐसे भरना पड़ता था अलग अलग जगहों पे। बट विनियट सही है,
कंट्री एंटर करते ही अपना एक बार खरीद लो बस, और फिर भाई उस कंट्री में मस्त अपना गाड़ी चलाओ बिना किसी टोल टैक्स के चक्कर में, अपना सीधे सीधे हाईवे चलाते ही जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये विनियट का कॉन्सेप्ट मुझे ज्यादा सही लगा एज कम्पेयर टू ये जो सिंगल सिंगल टोल भरने पड़ते हैं बार बार। आप में से काफी लोगों का ना एक सवाल रहता है कि अपनी जो स्कॉर्पियो है इसमें भाई स्टेयरिंग व्हील राइट साइड में है, जबकि यहाँ की अगर आप रोड देखोगे ना तो उसमें गाड़ियां लेफ्ट हैंड स्टेयरिंग व्हील वाली चलती है। राइट हैंड स्टेयरिंग व्हील वाली गाड़ी चलाने में हमें दिक्कत हो रही है या फिर इजी है, क्या स्टेटस है? तो देखो यार, दिक्कत तो होती है नो डाउट, बट दिक्कत होती है उन रोड पे जहाँ पे सिंगल लेन होती है और सामने से भी ट्रैफिक आ रहा हो और हम भी यहीं से जा रहे हो, और पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में जब हमारे सामने एक ट्रक हो और उसको हमें ओवरटेक करना हो, तो क्या होता है ना, हमें दिखता नहीं है भाई लेफ्ट से आगे कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि ट्रक इतना बड़ा होता है और हम बैठे हैं गाड़ी के राइट साइड में स्टेयरिंग की वजह से। तो इसलिए ओवरटेक करने के लिए जो साइड वाली सीट में बंदा बैठा होता है ना, उससे पूछना पड़ता है, वो बताएगा कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, फिर ओवरटेक लिया जाता है। छोटे छोटे हाईवे यहाँ पे आप देख ही सकते हो, तो लेफ्ट से ओवरटेक लेना भी है तो आराम से दिख जाता है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। और इन कंट्रीज के रूल समझने में ना शुरू के 2-3 दिन ही लगे थे हमें, उसके बाद भाई मस्त एकदम स्मूथ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जहाँ पे यू टर्न लेना होता है, राइट टर्न लेना होता है, लेफ्ट टर्न होता है, दिमाग ना सेट हो चुका है कि हाँ इन कंट्रीज में ऐसे टर्न आएगा और ऐसे लेना है। ये चीज वापस से यूके जब हम एंटर करेंगे ना भाई चेंज हो जाएगी, जैसे इंडिया में थी अपनी रूल सेम टू सेम यूके में भी वही चलते हैं, और फिर यूके के बाद तो इंडिया पहुंच ही जाएंगे, बट इतनी दिक्कत आने नहीं वाली, क्योंकि इंडिया में मैं भाई 3-4 साल से भी ज्यादा से गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो दिमाग अच्छे से ट्रेन हुआ पड़ा है, तो यूके में भी इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट इन कंट्रीज में आदत बन जाती है, आप 1-2 दिन चलाओगे ना गाड़ी आके तो फिर टेंशन की बात नहीं है उसके बाद। इसके अलावा आप में से किसी और के भी क्वेश्चन हो तो जरा कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा हर व्लॉग में कोई 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर देने की। सब इस वाली रोड पे विंड मिल देखना, लाइन से लगे हुए कितने सारे हैं, और जबकि नेदरलैंड में काफी सारे विंड मिल आए थे और शायद से हो गए एंटर हम भी भाई बेल्जियम में, लेट्स गो भाई। ये भाई साहब फ्यूल स्टेशन आ गया है और काफी बड़ा सा ही लग रहा है फ्यूल स्टेशन, हालांकि हमें तो यहाँ से विनियट लेना है और डीजल देख लेते हैं, अगर सस्ता मिलेगा तो ले लेंगे वरना टाउन में ही लेंगे फिर। ज्यादातर हाईवे पे ना पेट्रोल महंगा मिलता है इन वाली कंट्रीज में, टाउन में सस्ता होता है, बट हम जब भी हाईवे में भरवाते भाई मजबूरी में भरवाना पड़ता है, क्योंकि टाउन से निकलते टाइम पे कोई पेट्रोल पंप आता नहीं है रस्ते में, और फिर हम हाईवे चढ़ जाते उसके बाद रेंज खत्म होने लग जाती है, दिल की धड़कने बढ़ने लग जाती है, इसलिए जबरदस्ती हाईवे से हम भरवाते हैं। आज आई गेस काम चल जाएगा हमारा अगर नहीं भी भरवाएंगे यहाँ से। एक्चुअल में भाई कितना बड़ा है देखना, वहां से कम नहीं तो 8-9 मशीनें लगी हुई है, लाइंस बता रहा हूँ 8-9। रेट देख लो भाई 1.85 यूरो पर लीटर, 180 रुपीज हो गया ना लीटर, तो हाईवे पे है ये इसलिए महंगा है, अंदर जाके मेरे ख्याल सस्ता ही होगा। बाकी इनका तो सुपर मार्केट भी बहुत बड़ी सी है, कुछ खाने का भी ले लूंगा एंड विनियट का ही पता करते हैं। एक हमसे गलती हो गई है भाई बहुत बड़ी, बताता हूँ अभी पहले विनियट ले लूँ। खाने पीने की तो भाई बहुत सारी वेरायटी है, बट वो ये भाई बीफ वाली चीजें आती है ज्यादा, और चिकन भी है, वेजिटेरियन नहीं दिख रहा मुझे खैर कुछ भी। यहाँ यूरोप में ना इस तरह का खाना बहुत चलता है भाई, मतलब यहाँ से उठा के ले जाओ अवन में गर्म करो और खाओ। इंडिया में जो 10 रुपए का लेस का पैकेट है वो यहाँ पे 1.65 यूरो का है, यानी कि 165 रुपए। मैंने भाई एक ये पास्ता सैलेड और साथ में ये ब्लू वाला लेस का पैकेट ले लिया, अभी इसको गर्म करना है। एक्सक्यूज मी, वेर इज दी अवन? ये दे रखा है भाई अवन यहाँ, डायरेक्टली रख देना चाहिए वैसे, है ना, ऊपर का ढक्कन हटा दिया मैंने, थोड़ा सा ही करना है वैसे तो गर्म, क्योंकि फ्रीजर में था ना तो ज्यादा ही ठंडा हो रखा था, हल्का फुल्का सा गर्म हो जाएगा तो खाया जाएगा और मस्त ब्लू वाले लेस डाल के खाऊं। वैसे यहाँ पे ये रेस्टोरेंट भी है, आप कुछ भी खा सकते हो। एक्चुअली भाई फ्राइज आपको बेल्जियम में हर जगह मिलेंगे, क्योंकि जो फ्राइज का इन्वेंशन हुआ था ना वो फर्स्ट टाइम भाई बेल्जियम से ही हुआ था। तो अभी हम सिटी सेंटर में जाएंगे ना, देखना भाई जगह जगह पे फ्राइज ही फ्राइज, फ्राइज ही फ्राइज। आई गेस हो गया काम जितना चाहिए था अपने को। ये सही है भाई, सुपर मार्केट्स में सब कुछ होता है, अवन वगैरह, ऐसी कॉफी मशीन्स भी है, कॉफी लेनी हो। हम खाएंगे भाई पास्ता, वेजिटेरियन है ये प्रॉपर, टेस्टी है भाई, चिप्स डालता हूँ थोड़े। ये कह रहे हैं भाई फ्री है यहाँ पे हाईवेज बेल्जियम में, हमें विनियट लेने की जरूरत नहीं है, तो चलो पैसे बच गए। सुपरमार्केट के अंदर भाई एक बस भर के पूरा कोई ग्रुप आया, भीड़म भीड़ हो गई, इसलिए मैं बाहर ही आ गया गाड़ी में। वैसे ही मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मजेदार ठंडा ठंडा। ये टोटल दोनों चीजें ना 8 यूरोज में मिली मुझे, बट भाई पेट भर गया 800 रुपए में। आई नो महंगा है थोड़ा, बट क्या करे भाई, पेट के लिए करना पड़ता है। हाँ वो गलती मैं बता रहा था ना ये थी कि भाई हम नेदरलैंड में ना लेना ही भूल गए थे विनियट, क्योंकि उस दिन रात को इतना लेट हो गया, ऊपर से बारिश आ गई इतनी तेज, तो किसी भी स्टेशन पे हम रुके ही
इन्हीं रस्ते में, और फिर वो ध्यान से निकल गया कि भैया विनेट भी लेना होता है, और अब नेदरलैंड से एग्जिट भी कर चुके हैं भाई बिना उसके विनेट के, बाल बाल बच गए भाई, वरना तो तगड़ा ही चलान हो सकता था। मतलब आप खुद सोचो भाई, इतनी सी गलती के लिए 70-80 हज़ार रुपए का चलान सीधा, किस्मत अच्छी थी बच गए। बाकी इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं, किधर पहुंच चुके आप बताओ, यहाँ पर बेल्जियम में, और यहाँ की जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वो सिर्फ और सिर्फ भाई 80 किलोमीटर बची है, मैक्स टू मैक्स एक घंटा भी नहीं लगना, उससे कम ही लगेगा, बट क्योंकि अभी होटल बुक नहीं है तो वो ढूंढने ढूंढने में 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा लगा लो, बस उसके बाद पहुंच जाएंगे भाई। यहाँ के पेड़ देखना कैसे पत्ते हैं, अजीबोगरीब से पूरे ग्रे पत्ते हो रखे हैं, वीडियो में दिख रहा ढंग से, ये देखो गिरा हुआ है ना, ये दिखाता हूँ, या तो ये बिल्कुल ही सूख चुका है या फिर इसका भाई कलर ही ऐसा, देखना ग्रे कलर भाई साहब। मैंने तो भाई कसम से पहली बार देखा है ऐसा, कोई पेड़ की पत्ते भी लग रहे हैं लेकिन पूरे के पूरे ग्रे पत्ते, सूखे तो पड़े हैं नो डाउट, इसलिए इतने ज्यादा नीचे भी गिरे हैं, बट पत्ते वत्ते छोड़ो भाई, अपनी स्कॉर्पियन को देखो क्या तगड़ी लग रही है ना। बाकी अभी भाई 7:30 बज चुके हैं रात के, और ऊपर एज यूजुअल भाई पूरा दिन निकला पड़ा मस्त एकदम। यहाँ के डस्टबिनों में देखोगे ना, ऊपर सिगरेट बुझाने की एस्ट्रे बनी होती है और नीचे डस्टबिन। हालांकि जो लास्ट की 3-4 कंट्रीज है ना, इसमें ना लोग कम पी रहे हैं सिगरेट, लेकिन उससे पुरानी जो कंट्रीज थी ना भाई साहब, लोग मतलब हद अंधा लेवल की स्मोकिंग करते थे। बाकी वैसे एम्स्टरडैम में तो सिगरेट की जगह गांजा चलता था, बट भाई सही में गाड़ी देखो यार, नजर ही नहीं हटती भाई, कितनी प्यारी लगती है यार, देख रहे ओए होए होए होए, रशिया रशिया भी जाएंगे भाई। बाकी भाई हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 20 एंड अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ कंट्री नंबर 19 बेल्जियम में आप सभी का स्वागत है। मैं क्या जरा ऑफिशियली आपको वेलकम कर ही लिया जाए, है ना, आप एंटर कर ही चुके हैं, और अब कितनी कंट्रीज है यूरोप में, मेरे क्या 6-7 देश बचे हुए हैं, फिर उसके बाद यूके और आयरलैंड का भी प्लान बन रहा है, तो भाई वो ये 27-28 कंट्री हो जाएगी मस्त इस ट्रिप में पूरी, दुबई को मिला के। दुबई कंट्री नहीं है, सिटी है, बट है यूएई कंट्री। और कसम से भाई मैप देखो, मतलब ये हमारा प्यारा भारत देश, उसके बाद हम गए वहां से ईरान, ईरान से टर्की, फिर ये पूरा यूरोप हमने कवर कर लिया नीचे वाला, एंड अभी फिलहाल हम आ चुके हैं भाई बेल्जियम। हालांकि बिल्कुल बॉर्डर ही पे ही है, सिटी तो आने वाली है अभी थोड़ी आगे, बट मेन चीज मैं ये दिखा रहा था कि कहां से हमने देखो यहां से जर्नी शुरू की और यहां पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी पूरा वर्ल्ड नापने वाला हूं मैं इस गाड़ी से, मजा आएगा। अब यूके जो हमारी भाई मंजिल है फाइनल, वो ज्यादा दूर नहीं है, बल्ले बल्ले यार मजा आ जाएगा, मतलब वहां पहुंच के क्या प्राउड वाली फीलिंग होगी ना, कि कर दिखाया भाई इतने किलोमीटर चला के, इतनी कंट्रीज कवर करके फाइनली लंदन यूके पहुंच गए। बताओ, हम चाहे तो वैसे बेल्जियम से सीधा फ्रांस वाले ये कैलिसपोर्ट जा सकते हैं और कैलिसपोर्ट से एंट्री ले सकते हैं यूके में, बट हम ये नहीं करेंगे। अभी हमें बेल्जियम के बाद लग्जमबर्ग जाना है, उसके बाद नीचे स्विट्जरलैंड जाना है, लिंचस्टिन जाना है, फिर नीचे इटली भी जाना है, फिर इटली से हम एंटर करेंगे फ्रांस में। तो अभी बची है भाई, जल्दबाजी कोई नहीं है, यूरोप का वीजा 11 अगस्त तक है हमारे पास, तो ये कंट्रीज कवर हो सकती है आराम से, फिर आराम से एंटर करेंगे यूके में मजेदार, बल्ले बल्ले हो। लंदन में जाके जो ब्रिज है ना भाई, वहां पे ऐसे ही फोटो खिंचवाऊंगा गाड़ी के साथ इस वाले पोज में, विक्ट्री पोज होता है ये देखो, तो विक्ट्री तो हो ही है ना, इतनी दूर आ गए इंडिया से लंदन, वो भी गाड़ी चला के भाई, वो है सबसे बड़ी बात। चलो जी चलो, ये बचा कुचा रास्ता जो है नाप देते हैं। एक चीज बताना यार, देखो अभी मैं स्टार्ट करूंगा ना, यहाँ पे आएगा ये ब्रसेल्स लो एमिशन जोन ऑन रूट, इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है भाई साहब, मैं खुद सोचता हूँ कि कहीं कोई बड़ा चलान ना हो जाए इन चीजों की वजह से, तो किसी को नॉलेज होना ये लो एमिशन जोन क्या है, या इनमें अगर हम एंट्री करते हैं तो कोई दिक्कत होती है नहीं होती है, वो सब आप एक बार ना बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। भाई अपनी स्कॉर्पियो एन के लिए एक चैलेंज आ चुका है, यहाँ पे 43 किलोमीटर बचा हुआ है सिटी सेंटर आने में, और गाड़ी की रेंज भी एग्जैक्ट 43 किलोमीटर की ही बची हुई है। हमने वहाँ डीजल डलवाया नहीं क्योंकि महंगा था, तो क्या लगता है आपको भाई एग्जैक्ट कट टू कट पहुंच पाएगी सिटी तक की हम डीजल भरवा सके? तो आज टेस्ट करते हैं भाई। वैसे तो मैं एवरेज मेंटेन कर रहा हूं, 10.2 की आ गई है, सुबह 9.3 की थी, तो होपफुली पहुंच तो जानी चाहिए। बाकी जुड़े रहो, पता चलेगा कि इसका जो मीटर है वो एग्जैक्ट बताता है या नहीं बताता है। देखो यहाँ 42 बच गए हैं, ये 115 से ऊपर जाते ही ओवर स्पीड दिखाने लग जाता है, यहाँ 41 बचा है। ज्यादातर गाड़ियों में ना 120 पे होती है स्पीड लिमिट सेट की, वो 2222 वाली घंटी, और ये ओवर स्पीड दिखाता है 120 के ऊपर। इस गाड़ी में भाई 115 पे ही है, बताओ यहाँ पे अब 120-30 की तो एवरेज स्पीड है, अब 130 पे नहीं चलाएंगे तो भाई फिर क्या फायदा है ऐसे हाईवे पे, है ना?
और 130 पे चलाते ये टूटू टूटू बोलने लग जाती है। अभी मैं 105 110 पे चला रहा हूँ तो मस्त है भैया, कोई घंटी नहीं। एक चीज और भाई, टुमोरोलैंड जिन लोगों को पता है भाई साहब, उसका सेकंड वीक चल रहा है यहाँ पर ही बेल्जियम में, बेल्जियम क्या नाम, ब्रसेल्स में ही, ब्रसेल्स में ही। बट टिकट मैंने देखी भाई कल संडे की थी 1,20,000 रुपए, 1,200 यूरो, हाँ 1,200 यूरो थी। मैंने कहा भैया रहने दो, 300-400 यूरो की होती तो ले भी लेते और चले जाते, बट इतने नहीं भैया। हालांकि वैसे आए है, टुमोरोलैंड हो रहा है तो मिस नहीं करना चाहिए चांस, बट भाई पहले इतने खर्चे इस ट्रिप पे 1,20,000, अब उसके लिए अलग से नहीं खर्च सकते। भैया गाड़ी धोखा देगी, इसमें दिखा रहा है 17 किलोमीटर की रेंज और अभी बचा है टोटल 24 किलोमीटर। हालांकि मैंने क्रूज पे ही सेट कर रखा है 110 की स्पीड पे, होपफुली पहुंचा दे भाई, फिंगर्स क्रॉस। वैसे तो पूरी रेंज जब खत्म भी हो जाती है ना, ऐसे डैश सा आ जाता है, मतलब 0 किलोमीटर बचे है, उसके बाद भी 20-25 किलोमीटर चल जाती है जो रिजर्व में थोड़ा सा डीजल पड़ा होता है, बट हम उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम मीटर को देख रहे हैं क्या ये मीटर के अकॉर्डिंग हमें पहुंचा पाएगा। तो भाई स्टार्ट हो गई है, बट अभी सेंटर पहुंचने में 11-12 किलोमीटर बचे हैं और रेंज आ गई है गाड़ी की 4 किलोमीटर पे, यानी कि जो हमने टच टू टच शुरू किया था ना वो गलत हो गया है। इसमें अभी भी 11 किलोमीटर है और इसमें सिर्फ 4 किलोमीटर ही। खैर कोई नहीं, सिटी में तो आ ही गए हैं तो पेट्रोल हम मतलब डीजल हम डलवा ही सकते हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई क्रूज पे लगा के एवरेज मेंटेन रखी, फिर भी पूरा एग्जैक्ट नहीं पहुंचा पाई। लो बात कर ही रहे थे और घुसते ही मिल भी गया स्टेशन, इसको इसो का, इसको नहीं इसो, यहाँ से डीजल डलवा लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं भाई रेट का कितना फर्क आया जरा, लेट्स सी भैया। यूरो ये तो दोनों बेंजीन है, अच्छा वो है डीजल इधर की तरफ, एक ही है इनके पास EN590। ये रेट किसका लिखा है मेरे ख्याल हटा के पता चलेगा, इसको ये है भाई 1.855, सेम ही तो रेट है, कितना 5 रुपए का भी फर्क नहीं आया भाई साहब, 5 छोड़ो 2-3 रुपए का भी फर्क नहीं आया। ये तो भाई हाईवे वाला भी नहीं है, फ्यूल स्टेशन प्रॉपर सिटी में घुस के ही डलवा रहे हैं, तब भी ज्यादा फर्क नहीं रेट में। चल रही भाई चल जा, ये देखो दबा रहा हूँ फिर भी नहीं चल रही, शायद से अंदर से कुछ होता है इनका बिजली बिजली का, पता करके आना पड़ेगा। पता नहीं भाई ये क्या लिखा रहा है, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वैसे बेल्जियम की ना कोई बेल्जियन करके लैंग्वेज नहीं है, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे चलती है, फ्रेंच डच और शायद से जर्मन भी, तो ये तीनों में से कौन सी है पता नहीं भाई, ऑटो डिटेक्ट कर लेगा तो बढ़िया। हाँ ये रहा, प्लीज हैंग बैक, कार रीडर इज ब्लॉक्ड एज लॉन्ग एज द होस इज रिमूव, इफ यू विश टू पे एट द पंप यू मस्ट हैंग द होस बैक, डच में ही लिखा था ये, तो शायद से वापिस से इसको लगाना पड़ेगा ये कह रहा है। हाँ समझ गया, पर ये इंग्लिश हो जाए ना, हाँ हो जाएगी। डू यू हैव अ लॉयल्टी कार्ड यूज इन दिस वन फर्स्ट, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई US में भी ऐसी सीन है कि पहले कार्ड लगाओ फिर चलेगी मशीन, कार्ड डाल के ही देखते हैं भाई। हाँ देखो आ गया ना, योर कार्ड इज बीन वेरीफाइड, कौन सा डलवाना है सुपर प्लस यूरो प्लस या डीजल, डीजल। डू यू कलेक्ट पॉइंट्स, नहीं करते हैं वो भाई, पिन भी एडवांस में ही कह रहा है डालने के लिए, वेरीफाई कर रहा है, ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड, देखा तो अब कार्ड हटा लेना। अब ये कह रहा है पंप 8 से हम भरवा सकते हैं, लेट्स गो भाई अब ये चल जाएगा। हाँ आ गई ना आवाज मशीन में से, तो अभी क्या इन्होंने कार्ड पहले ही अप्रूव कर दिया है, बट पेमेंट अभी नहीं कटेगी, जब मैं भर लूंगा ना पूरा, फिर जितने लीटर भी भरूंगा जितना अमाउंट भी बनेगा ये ऑटोमेटिक कार्ड लेंगे कार्ड से भाई, सही सिस्टम है देख रहे हो, पहले कार्ड लगा उसके बाद ही डीजल भरो। अभी तक यूरोप की किसी कंट्री में मैंने नहीं देखा ऐसा डीजल वाला स्टेशन, यहीं पे ही है ये, मेरे ख्याल 55 के आसपास आएगा, कह नहीं सकते 60 लीटर भी आ सकता है। यहाँ की मशीनों में तो घपला नहीं होता होगा ना भाई साहब की, बट डलवाया 50 लीटर लेकिन अंदर गया 40 लीटर ही, डर तो नहीं रखा होगा वैसे सेटिंग ऐसा। लो जी ऑटो कट तो लग गया है कितना 51.66, थोड़ा सा और भर लेते हैं, लेट्स गो, टोटल आ गया 53.34 और 99 यूरो, 9,900 रुपए का बिलिंग फिनिश, यू हैव पेड, देखा पेमेंट कार्ड भी लिया। सही है भैया सही है, तरक्की कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा घर से गाड़ी ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ऑटोमेटिक पेट्रोल भर जाएगा। अब इस मशीन के होने के दो रीजन है, या तो ये सुपरमार्केट बंद होगी इसलिए पेमेंट लेने वाला अंदर कोई नहीं होगा, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पे लोग भाई भरवा के भाग जाते होंगे इसलिए उन्होंने कहा कि मशीन ऐसी लगाओ कि पहले कार्ड लगाना फिर डीजल डालेगा। गजब भाई गजब, मजेदार चीज है। पीछे जो गाड़ी ठुकी हुई है ना भाई, इतने दिन बाद नजर गई है, कितनी अजीब लगती है, देखो पास से इतना फील नहीं होता लेकिन दूर से देखोगे ना पूरी ऐसे चिपकी हुई पता चलती है कि हाँ चिपकी पड़ी है, बट कोई नहीं भाई गुड़गांव जाते
ही मैं नहीं, मतलब जैसी गाड़ी आ जाएगी मुंबई, मुंबई से गाड़ी ड्राइव करके जाएंगे गुड़गांव, जाते ही भाई इसकी डिक्की चेंज करवानी है, साफ सुथरा बनाना है गाड़ी को। बाकी वैसे गाड़ी में एड ब्लू की भी जरूरत है, मतलब कि अपना वही जो DF वाला लिक्विड होता है, ये भी देख लेते हैं भाई कितने रुपए का क्या सीन है यहाँ पे। 0.96 यूरो पर लीटर, यानी कि 100 रुपए लीटर है लगभग। ये कंफर्म नहीं है भाई कि ये वाला हम डाल सकते हैं नहीं, क्योंकि अपनी गाड़ी में 28% रह गया सिर्फ, मेरे ख्याल से तो डाल लेना चाहिए। यही फ्यूल स्टेशन पे भाई इलेक्ट्रिक चार्जर भी लगे हुए हैं, वो भी 150 किलोवाट वाला। इसका प्राइस क्या है वो नहीं पता चलेगा, शायद से भरवाने के बाद ही स्लिप व्लिप निकलती होगी, या हो सकता है ये फ्री हो भाई, ऐसा लग नहीं रहा यूरोप जैसे देश में कुछ फ्री मिल सकता है। यहाँ पानी के भी भाई 500-600 रुपए ले लेते हैं, बट यहाँ पे कहीं पे भी है नहीं। अरे हाँ ये ना देखो मशीन है भाई, पर इंग्लिश में है नहीं है, हाइपर चार्जर है वो भी। वही है, पहले इसमें भी कार्ड वार्ड लगाना पड़ेगा तभी चालू होगी। कह रहा था ना भाई फ्री में कुछ नहीं है, पैसा लेंगे। और बेल्जियम में भाई चोरियाँ बहुत होती है, मतलब जेब कतरे बहुत है, तो काफी लोगों ने कहा है कि संभल के रहना थोड़ा सा, और गाड़ी में भी सामान मत रखना कुछ भी, वरना चुरा के ले जाते हैं। आज सारे बैग वैग जो है वो होटल रूम में ही ले जाऊंगा भाई, वरना तो मैं छोड़ भी देता था गाड़ी में, कोई चिंता नहीं होती थी। बाकी चलो सिटी सेंटर चलते हैं और होटल ढूंढते हैं। अपने इंडिया में जैसे डीजल या पेट्रोल के प्राइस जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेटेड है ना, या फिर आपको डिफरेंस मिलेगा भी तो कितना 0.5, 50 पैसे, 60 पैसे ऐसे। बट यूरोप में ऐसा सीन नहीं है भाई, अपनी मर्जी होती है फ्यूल स्टेशन वालों की, चाहे वो आपसे कितने मर्जी पैसे चार्ज कर सकते हैं। इसलिए जर्मनी में देखा होगा आपने भाई साहब, जिस स्टेशन में हमने भरवाया 210 रुपए लीटर मिला था, और अंदर टाउन में जाते ही 160 रुपए लीटर था। मतलब वो बंदा जो पेट्रोल पंप वाला था 50 रुपए पर लीटर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था, वो भी लीगली, मतलब कुछ उस पे ऐसे केस वेस नहीं बन सकता। टीका सेंटर तो भाई बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, जबकि आज संडे भी नहीं है, फिर भी देख लो भाई नहीं, लोग ही नहीं है, बिल्डिंग बिल्डिंग भी सब बंद पड़ी है ऐसा लग रहा है। और ब्रसेल्स जो है ना वो भाई बेल्जियम की तो कैपिटल है ही है, साथ में जो यूरोपियन यूनियन है ना उसकी भी कैपिटल सिटी यही है। अगर आज इतना ज्यादा खाली है तो कल संडे को तो वैसे ही सब कुछ बंद रहता है, पता नहीं खुद दिखेगा भी कोई बंदा या नहीं दिखेगा। सिटी सेंटर तो वैसे खुले ही रहते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह म्यूजियम्स वगैरह बंद होंगे, वो हम अंदर जाते भी नहीं है, बाहर ही जाके देख लेते हैं तो ठीक है। पहले हमारे दो दिन थे 3 नाइट्स थी यहाँ पे, बट अब हमने 1 दिन और 2 नाइट्स कर लिया है, तो यानी कि हम परसों निकल जाएंगे स्विट्जरलैंड के लिए, और जो 1 दिन यहाँ बचा रहे हैं वो स्विट्जरलैंड में एक्स्ट्रा कर लेंगे। यहाँ भी भाई सिटी सेंटर में देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है जगह जगह पे, वो सामने है बिल्कुल सिटी स्क्वायर, ये भाई मेन वो आ गई है यहाँ की स्ट्रीट, बट गाड़ी जाना मुश्किल लग रहा है, कहाँ जाएगी, वहाँ रेस्टोरेंट तक जाएगी पूरा, तो इंडियन रेस्टोरेंट देखा है तो गाड़ी वाला ही, बट बहुत ज्यादा बिल्कुल ही सिटी स्क्वायर में ही आ गए समझ लो। यहाँ पे एक्चुअल भीड़ दिख रही है, बाहर तो खाली खाली पड़ा हुआ था सब कुछ। हाँ ये देखो भाई सारा क्राउड तो यहीं पे आया हुआ है, बाहर तो लगेगा ही ना खाली खाली सा, और मस्त है भाई साहब, है लगभग सब चीजें, मुझे तो लगा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ ढंग का, बट अच्छी सिटी है अंदर से देखने में पता चल रहा है। अभिषेक को मैंने उतार दिया, वो इतने खाना पैक करवा लेगा, क्योंकि 10 बजे यहाँ पे लिटरली सब कुछ दिखा रहा है कि बंद हो जाएगा। वहां तो जगह थी नहीं गाड़ी की, यहाँ कहीं पे देखता हूँ जगह मिल जाएगी तो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाऊंगा, 10-15 मिनट की ही बात है, क्योंकि ना भाई साहब जेट बिल्कुल ब्लैक मैट कलर की मर्सिडीज, मुझे भाई सही में मैट वाले कलर से ना बहुत ज्यादा फैसिनेशन है, इसलिए आपने देखा है कि मेरी सारी गाड़ियों में जितना ही मैं PPF करवाता हूँ मैट में करवाता हूँ, BMW हो, थार हो, ये हो, टियागो में भी मैंने करवा रखी है मैट। बाकी वैसे तो सिटी अच्छी लग रही है यार, देखना कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स है भाई साहब। ओए होए होए होए, टाइम देख लो भाई 9:15 हो गए हैं और पूरी की पूरी रोशनी है भाई साहब, यहाँ तो एम्स्टरडेम से भी ज्यादा रोशनी हो रही है। उस हिसाब से तो यहाँ पर अंधेरा मेरे ख्याल 10:30-11 होगा, बट लोग सब कुछ बंद कर कुर के चले जाते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे लोगों को अपनी वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना मेंटेन करके रखनी होती है, इसलिए ज्यादातर दुकानें 5 बंद हो जाती है, फिर लोग जाते हैं घर पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और संडेज को भी भाई पूरा बंद रहता है प्रॉपर। बस मुझे जगह मिल जाए गाड़ी खड़ी करने की 15-20 मिनट के लिए, फिर मैं आराम से पैर फैला के थोड़ा रेस्ट मारूंगा गाड़ी में। यार ये है तो देखो टो अवे जोन, बट मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो ऐसा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बाकी पता नहीं यार। हाल मैं फैलाता हूँ सीट को और थोड़ा अंगड़ाइया ले लूँ। चलो जी अभिषेक का फोन आ गया कि खाना रेडी है, पैक हो चुका है, तो उसको जाके उठाते हैं भाई। भाई पुलिस की गाड़ी पे देखो क्या लिखा है, पोलिटी। तो ये डच लैंग्वेज में बोलते हैं पुलिस को पोलिटी। यही होटल भाई सस्ता मिल रहा था ऑनलाइन, और इनकी यहाँ पे पार्किंग भी है, बट स्पॉट मिल जाए कोई अपने को फिर पता करते हैं अंदर रूम वूम देख के एक बार। अभी बुकिंग करी नहीं है, खाली देखा है ऑनलाइन रेट, वैसे तो ऑनलाइन ही सस्ता होता है, इनसे पूछेंगे तो ये महंगा ही बताएंगे, बट स्टिल एक बार फिर भी पता कर लेना चाहिए।
वाले होटल वाले तो बड़े चालू निकले, अभिषेक अंदर प्राइस पूछने का, कहते 150 यूरो एक दिन का। तो अभिषेक कहता ऑनलाइन तो सस्ता, कह रहा ऑनलाइन बुक कर दो। हम जैसे ऑनलाइन बुक करने लगे भाई उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया booking.com। इसलिए भाई अब इस वाले होटल में आए हैं, यहाँ पे पार्किंग है नहीं तो वही बेसमेंट वाली पार्किंग पेड ढूंढनी पड़ेगी। 24,000 का मिल रहा है ये होटल दो नाइट का, बताओ 12,000 रुपए पर नाइट खाली होटल होटल के, और वही 2,500-3,000 रुपए एक दिन की पार्किंग के। यार बहुत खर्चा हो रहा है सही में। पार्किंग भी मिल गई बट ये भाई डंडा सा लगा रखा है और ये अटक रहा है अपनी स्कॉर्पियन की छत पे। तो अभी अभिषेक को बुलाया, वो आएगा डंडे को थोड़ा सा ऊपर करेगा फिर गाड़ी नीचे जाएगी। चलो जी आ गया अभिषेक, बस ये पिलर ऊपर करेगा और फिर गड्डी जो है निकल जाएगी। इधर आओ तुम, इधर आओ। चलो जी चलो, फाइनली घुस गई है यहाँ पे गाड़ी। अब आगे ना हो कोई और डंडा। अबे यार इसकी भी हाइट मुझे तो कम लग रही है शायद से, इसमें ना भिड़ जाए कहीं, नहीं जाएगी मेरे हिसाब तो नहीं जा पाएगी भाई। मना कर रहे हैं, कह रहे एग्जिट ले लो पीछे से ही, अब दूसरी पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी कोई। ये पार्किंग मिल जाती ना तो मस्त हो जाता भाई। 100 मीटर पे थी अपने होटल से, इन्होंने लिख भी रखा है देखो 1 मीटर के ऊपर जो है वो नहीं जा पाए। फाइनली भाई काफी दूर जाके जो है मिल गई है पार्किंग अपने को। ज्यादातर पार्किंग्स की ना भाई हाइट लिमिट बहुत छोटी है, लेकिन इस वाले की सही मिल गई अपने को। होटल से काफी दूर मिली है भाई पार्किंग, अब पैदल पैदल जाना पड़ेगा, या देखता हूँ लाइम स्कूटर मिल गया तो फिर वो इसी में चला जाए। हाँ भाई चलता है लाइम ऐप यहाँ। और टाइम देखो भाई 11 बज गए, बताओ पार्किंग ढूंढते ढूंढते अब होटल में पहुंचेंगे वही 11:30 तक। के बाद फिर 2-3 घंटे एडिटिंग करो, अपना थंबनेल सेट करो, वीडियो अपलोड करो, 3-4 बज जाएंगे, फिर सुबह उठने में भी लेट होता है। तो इसी रीजन की वजह से भाई हम निकलते भी लेट, अब क्या करें, वीडियो डालना भी जरूरी है, वही रोजी रोटी है, पैसा कैसे कमाएंगे वरना, है ना घूमने के लिए। यहाँ पे लाइम का सब्सक्रिप्शन सस्ता है भाई, 60 मिनट वाला सिर्फ 6.99 यूरो। चलो भाई चलो, स्कूटर मिल गया मस्त एकदम। लो जी लो, फाइनली चेक इन भी हो गया है। ये रूम है जरा सा वॉशरूम भाई, इधर देख लो नहाने का लगा हुआ है, छोटा सा ही रूम है, 2 सिंगल बेड लगे हुए यहाँ पे, बाकी वार्डरोब भी नहीं थी इन्होंने तो मेरे ख्याल से। 13,000 रुपए के आसपास का पड़ा है एक नाइट का, और पार्किंग अलग खड़ी करके आया, वो पता नहीं कितने की होगी, जब वो तो जाएंगे तभी पता चलेगा। बाकी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना पीका, बाय।